अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने पदभार संभाला। वहीं पदभार संभालते हुए कई बातों का जिक्र किया है और कई बड़ी बात भी कही है, तो हफीजुल हसन क्या कहते हुए नज़र आ रहे, सुनाते आपको। देखिए, अभी तो हम लोग समझने का कोशिश में कर रहा हूँ और कुछ कुछ तो सामने नज़र भी आ रहा। तो अब जो मेरा पिछला विभाग में काम देखे होंगे कि किस स्पीड से हम काम किए, चाहे मदरसा हॉस्टल हो, चाहे कब्रिस्तान घेराबंदी हो, या फिर स्टेडियम, खेल विभाग से स्टेडियम बनाना, पर्यटन से पर्यटन क्षेत्र को विकास करना, वो सब मैं उस कार्यकाल में मैंने किया। और इस बार माननीय हेमंत सोरेन जी ने मुझे जल संसाधन विभाग वो दिए, इसको भी हम लोग पूरा तेज़ी से, बहुत काम इसका पेंडिंग है, उसको नया टेक्नोलॉजी से हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जो भी दिक्कतें हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी सिक्योरिटी साहब भी सारा चीज़ बतला रहे थे कि जो पुराना स्कीम से पुराना मॉडल को हम लोग नया मॉडल कर रहे हैं और नया मॉडल से हम लोग काम करेंगे। ठीक है सर, कई ऐसे जगह हैं जैसे अभी सेक्रेटरी साहब भी बता रहे थे कि गोला वाले रोड में भी इस तरह का करना है, तो इस तरह झारखंड में कई ऐसे जगह हैं, तो उसे भी चिन्हित करके एक बेहतर रूपरेखा देने की कोशिश होगी। देखिए, यहाँ जो हम झारखंड का जो ज्योग्राफी है, ठीक ना, वो दूसरा स्टेट से अलग है। यहाँ पानी आता है, बह जाता, रुकता नहीं है। बहुत जगह है कि बिहार का जो इरिगेशन है वहाँ जब पानी आता है 6 महीना तक वो पानी नहीं जाता, लेकिन यहाँ है क्या कि 6 घंटा भी नहीं ठहरता। उसको हम लोग कैसे ठहरावें, कैसे हम लोग रोकें, उसमें भी हम लोग काम करेंगे। नया टेक्नोलॉजी से हम लोग दूसरा जगह, जैसे यहाँ का टीम जो जाकर के छत्तीसगढ़ में जाकर देख के आए हैं कि कैसे हम लोग नया तरीके से करेंगे, और छोटा छोटा भी हम लोग पानी रोकने का कोशिश करेंगे नदी में, यानी बड़ा भी और छोटा भी कि छोटा रोकेंगे तो वहाँ से जो किसान लोग हैं, नदी के किनारे ज़मीन रहता ही है, जिस जगह समतल है वो जगह पहाड़ी है, जहाँ समतल है उस जगह उनको हम लोग पानी देने का काम करेंगे। और अब जो पिछले सरकार में अब देखे कि उतना स्पीड से काम नहीं हो सका, बहुत 2 साल कोरोना रहा, फिर हेमंत बाबू जेल चल गए, फिर इधर उठा पटक हुआ, लेकिन इस बार का स्पीड जो रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा और 5 साल में हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। और फिर इसमें जैसे अभी जिस दिन फर्स्ट कैबिनेट हुआ उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये आदेश दिया कि जो नदी है, नदी मेरे ही अंडर में विभाग में आती, उसको भी इंक्लोजमेंट किया हुआ, उसका भी आप देख चेक करवाइए। बहुत छोटा छोटा तालाब है, बड़ा भी तालाब है, छोटा भी तालाब है, जिसमें पानी गहराई नहीं रहने के चलते पानी नहीं रुकता, कम स्टोरेज रहता, उस स्टोरेज को हम लोग बढ़ाएंगे। उससे क्या होगा कि वाटर लेवल ऊपर आएगा, अभी वाटर लेवल यहाँ नीचे चला गया, काफ़ी नीचे चला गया, तो जब तक ऊपर पानी नहीं रहेगा तो नीचे आपका पानी का लेवल कम हो जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।